हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था। तो उसमें हमने देखा था कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालने के लिए ट्रांजिस्टर्स का किस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि ट्रांजिस्टर्स का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालने के लिए हम लोग कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। अर्थात इस कॉन्फ़िगरेशंस में इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट के लिए इमिटर कॉमन होता है। तो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि कलेक्टर्स करेंट वोल्टेज ऑफ कलेक्टर इमीटर के साथ किस प्रकार से चेंजिंग करता है। देखते हैं एक ग्राफ के सहायता से कैसे होगा। यदि ये वोल्टेज ऑफ कलेक्टर इमीटर्स को इंडिकेट कर रहा है और ये ये दिखा रहा है करेंट ऑफ कलेक्टर। तो इस प्रकार से जैसा कि हमने देखा था कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ ग्राफ फॉर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ग्राफ किस प्रकार से होगा। तो जैसा कि हमने देखा था कि इसमें कलेक्टर इमिटर वोल्टेज के साथ कलेक्टर करंट चेंजिंग होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम लोग कलेक्टर इमिटर वोल्टेज को चेंज करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, तो कलेक्टर करंट में चेंजिंग होता है। शुरू में ट्रांजिस्टर एक कंडक्टर की तरह बिहेवियर देता है, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि बेस करंट यहाँ कांस्टेंट होता है, तो जैसे ही ये बेस करंट के लगभग पहुँचता है तो ये एक्टिव रीजन में आ जाता है और धीरे धीरे ग्राफ इसका मुड़ जाता है और करेंट्स में चेंजिंग कम हो जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से ये करेंट ऑफ आईबी अर्थात बेस करंट को दिखा रहा है, जो माइक्रो एम्पियर में होगा, माइक्रो एम्पियर। तो ये करेंट्स पहले मान लेते हैं 0 माइक्रो एम्पियर है। तो 0 माइक्रो एम्पियर्स पर इस प्रकार से चेंजिंग होगा, अर्थात जब वोल्टेज ऑफ कलेक्टर इमिटर्स को हम लोग बढ़ाते हैं तो कलेक्टर्स करंट में तेज़ी से इंक्रीजमेंट होता है, लेकिन जैसे ही उसमें बेस करंट 0 के नज़दीक होता है तो फिर जैसे ही कलेक्टर करंट थोड़ा सा इंक्रीजमेंट होता है तो इस प्रकार से करेंट्स में इंक्रीजमेंट वोल्टेज के सापेक्ष कम हो जाता है। यदि हम बेस करेंट्स को 10 माइक्रो एम्पियर लेते हैं तो इस ग्राफ में भी इसी प्रकार से होगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ने पर कलेक्टर और वोल्टेज ऑफ कलेक्टर इमिटर्स के बीच इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। ये बेस करेंट 10 माइक्रो एम्पियर्स पर होगा और इस ग्राफ में ये करेंट्स को दिखा रहा है मिली एम्पियर में, और तीसरे ग्राफ में जब हम लोग बेस करेंट्स को 20 माइक्रो एम्पियर करेंगे तो इस प्रकार से चेंजिंग होगा। ये 20 माइक्रो एम्पियर पर हो रहा है, अगर माइक्रो एम्पियर्स 20 माइक्रो एम्पियर। तो इस प्रकार से हम ये ग्राफ को बनाकर डिटेल में देखेंगे कि किस प्रकार से चेंजिंग हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब हम लोग बेस करेंट्स को फिक्स करते हैं, अर्थात जब 0 माइक्रो एम्पियर्स करते हैं, तो कुछ निश्चित वैल्यू के लिए कलेक्टर्स इमिटर्स वोल्टेज बढ़ाने पर कलेक्टर्स करंट बढ़ता है, लेकिन जैसे ही कुछ फिक्स वैल्यू पहुँचता है तो इन दोनों के बीच रिलेशन थोड़ा सा बिगड़ जाता है, अर्थात वोल्टेज बढ़ाने पर कलेक्टर्स करंट में इंक्रीजमेंट नहीं होने लगता है। शुरू में ट्रांजिस्टर एक कंडक्टर की तरह बिहेवियर करता है, लेकिन एक फिक्स वैल्यू के पहुँचने के बाद यह इंसुलेटर्स की तरह बिहेवियर करना शुरू कर देता है, और फिर जब हम लोग बेस करंट्स को बढ़ाते हैं तो कलेक्टर्स करंट कुछ आगे वैल्यू, कुछ
ज़्यादा वैल्यू पहुँचने के बाद इंसुलेटर्स के भीतर बिहेवियर करता है, और इसी प्रकार से जैसे जैसे हम बेस करंट्स को बढ़ाते हैं उसी प्रकार से कलेक्टर्स करंट्स का ये निश्चित वैल्यू भी बढ़ता है।